हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। आज मैं आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ एनएसई फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे मैंने ओपन किया है टाटा स्टील का चार्ट है एंड ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने सेट किया है। इंट्राडे के हिसाब से 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सेट किया है एंड अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ कैसे हम कन्फर्म सिग्नल कैसे लेना है एंड फेक सिग्नल को कैसे अवॉइड करना है। अभी आप देख सकते हैं लाइव चल रहा है एंड ऊपर यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो लाइव मार्केट रेट है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको 1374.85 ऊपर जो आ रहा है वो करंट मार्केट रेट है। इसमें जो ग्रीन कलर के अप आ रो बाय सिग्नल है, रेड डाउन आ रो सेल करने का सिग्नल है। सिग्नल आते टाइम पे अलर्ट मैसेज आएगा, इसी तरह के अलर्ट मैसेज आएगा वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पर बाई करना है, क्या रेट पर सेल करना है, वो प्राइस के साथ हमें अलर्ट मैसेज मिलेगा। सेम डिटेल्स आप ऊपर के डैशबोर्ड में भी चेक कर सकते हैं, इसका डिटेल्स ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन इसमें कंफर्म सिग्नल, जैसे सॉफ्टवेयर हमें जो सिग्नल देते हैं बाइसल सिग्नल देते हैं ना, वो हर सिग्नल कंफर्म नहीं होगा। तो एक सिग्नल मिलने के बाद फर्स्ट हमें इसका कंफर्मेशन चेक करना है। अगर एक बाय सिग्नल एक्टिव होगा तो हमें ये चेक करना है कि वो बाय सिग्नल ऊपर जाएगा या नहीं, वो चेक करने का ऑप्शन है। तो कंफर्मेशन मीन्स जैसे बाय सिग्नल एक्टिव होगा तो बाय का फर्स्ट कंफर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए, यहाँ पे इसी तरह लिखा हुआ आना चाहिए प्राइस इन बाय जोन। एंड सेकंड कंफर्मेशन सिग्नल के नीचे आप देख सकते एक बार है ना, ये हमारा कंफर्मेशन बार है, वो बार का कलर ग्रीन आना चाहिए। दो कंफर्मेशन है, फर्स्ट सिग्नल आना चाहिए एरो इज द सिग्नल, ग्रीन अपर इज अ बाय सिग्नल, रेड डाउन आर सेल सिग्नल, एरो सिग्नल है। सिग्नल आने के बाद आपको चेक करना है, अगर वो बाय सिग्नल एक्टिव होगा तो नीचे इसी तरह प्राइस बाय जोन में आना चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन एरो के नीचे का बार है ना, वो बार का कलर भी सिग्नल के फेवर में आना चाहिए। बाय सिग्नल होगा तो नीचे का कलर भी ग्रीन में आना चाहिए। ओनली दो ही कन्फर्मेशन है एंड एक कंफर्म सिग्नल होगा तो डायरेक्ट हम मार्केट ट्रेड पे ट्रेड ले सकते हैं। तो सीधे नीचे स्टॉप लॉस लेवल आ जाएगा, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है एंड बाजू में आप देख सकते हैं टारगेट 1, 2 एंड 3 तीनों टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिग्नल कंफर्म था इसलिए वो ऊपर काफ़ी ऊपर गया एंड ये तीनों टारगेट भी अच्छी हो गया। एंड उसके बाद भी अभी जरा सा मार्केट रिवर्स ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड लाइन चेंज हो गया लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल नहीं है क्योंकि नीचे हमारा कन्फर्मेशन इंडिकेटर अभी भी बाय के लिए सपोर्ट है। नीचे का अगर इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा तो ये नीचे का कंफर्मेशन इंडिकेटर सभी चेंज होगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ओनली ट्रेंड लाइन चेंज हो रहा है लेकिन हमारा इंडिकेटर कंफर्मेशन इंडिकेटर पैरामीटर्स अभी भी पॉजिटिव है। दैट मींस ये ऊपर फिर से ऊपर जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्स होगा तो ये दोनों कंडीशन चेंज हो जाएगा। एंड फेक सिग्नल मीन्स आप देख सकते हैं इसके पहले एक सेल सिग्नल मिला था तो आप नीचे देख सकते हैं बार कन्फर्मेशन नहीं था। तो कन्फर्मेशन मीन्स सिग्नल आने के बाद, एरो आने के बाद हमें कन्फर्मेशन चेक करना होगा। वो सिग्नल कन्फर्म नहीं होगा तो वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्ट ने हमें 10 सिग्नल दिया, वो 10 सिग्नल पे भी आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। वो 10 सिग्नल में से हमें कितना कन्फर्म सिग्नल मिलेगा वो कन्फर्म सिग्नल पे आपको ट्रेड करना होगा। हर एक सिग्नल पे हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। कन्फर्मेशन अभी मैंने आपको बताया ना, सेम बाय सिग्नल आना चाहिए या सेल सिग्नल आने के बाद एरो फर्स्ट मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। कंफर्म सिग्नल बाय सिग्नल एक्टिव होगा तो प्राइस बाय जोन एंड बार का कलर ग्रीन आना चाहिए। उसी तरह सेल होगा तो प्राइस यहाँ पे उस समय सेल जोन आना चाहिए एंड बार का कलर रेड आना चाहिए। ये दो कंडीशन मैच होगा देन ओनली वो सिग्नल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए। एंड साइड डे का इंडिकेशन भी यहाँ पे आपको पता चलेगा, जैसे नॉर्मल कलर्स रेड एंड ग्रीन है ना, तो ये रेड एंड ग्रीन के अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर्स आएगा जैसे ऑरेंज कलर्स, लाइट ब्लू, एंडी कैंडल, व्हाइट कैंडल, तो ये सभी साइडवे का इंडिकेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंट्री करते टाइम पे साइडवे का इंडिकेशन होगा तो वहां पे हमें वेट करना होगा। ऑलरेडी हमने एंट्री लेने के बाद साइडवे का इंडिकेशन होगा तो जस्ट आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके टारगेट के लिए वेट करना होगा। एंड यहाँ पे आपको रेसिस्टेंट सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे मिलेगा, ऊपर जो रेड स्टार्स जैसे आ रहा है ना वो रेसिस्टेंट लेवल, उसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो वहाँ पे रेसिस्टेंट लेवल वो बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा। एंड नीचे वो ब्लू है ना वो सपोर्ट लेवल है। अगर ये आप देख सकते हैं अभी कैंडल्स नीचे आ रहे हैं, वो अगर सपोर्ट को तोड़ेगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा। एंड ये हमारा स्कैनर है, अभी जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 8.1, उसके साथ हमारा स्कैनर का सेकंड वर्जन है।
तो इसके अंदर आप जिसमें ट्रेड करते हैं जैसे IM6 होगा या NSE होगा, NSE कैश है, फ्यूचर्स ऑप्शन करेंसीज एग्रीकॉमिक्स फॉरेक्स सभी में हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। तो आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसका सेटिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, सेटिंग कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, उसका एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर मिलेगा। इनसे नॉर्मल हमारा प्रोसेस अगर आप परचेज करना हो तो पेमेंट होने के बाद, ये वन टाइम पेमेंट हम लेते हैं, पेमेंट होने के बाद एक मैक्सिमम 10-15 मिनट के अंदर डायरेक्ट इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, डायरेक्ट इंस्टॉल करके देगा। यहाँ से आपको फुल एक्सप्लेन भी करके देगा कैसे यूज़ करना है, एंड आपको इसका एक ट्यूटोरियल भी मिलेगा। एंड उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या डाउट होगा तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। माय नेम इज़ गंगा एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं, माय नंबर इज़ 9061973737। मेरा व्हाट्सएप है ऑफिशियली, ये आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.wintradersoft.com। अगर आप इसका लाइव डेमो देखना तो डायरेक्ट आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।